साथियों जय किसान में रवि आजाद। साथियों किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में लगभग एक साल तक सभी के लिए टोल फ्री रहा। हमारी टोल कमेटियों ने बहुत शानदार काम किया जिसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। साथियों ये भी ऐलान हुआ कि ये जो टोल टैक्स है, ये जो गुंडा टैक्स है, ये किसान अब नहीं देगा। आसपास के जो 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में जो गांव हैं, उनमें से कोई भी ये गुंडा टैक्स नहीं देगा। साथियों हमारी टोल कमेटियां लगातार इस पे नजर भी रख रही हैं और स्पष्ट चेतावनी इन टोल कंपनियों को दी थी कि अगर किसी के साथ बदतमीजी की, किसी किसान को परेशान किया, किसी आसपास के गांव वालों को तंग किया तो फिर हम इलाज करेंगे तुम्हारा, यह स्पष्ट चेतावनी दी थी। हिसार में धरना चल रहा टोल के ऊपर, वहां भी ऐसी बात आई। सिरसा, यमुनानगर, हम एक बार पुनः इन टोल प्लाजाओं को यह स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि वो कोई भी किसानी झंडे लगी हुई गाड़ियों को ना रोकें, उनसे जबरन वसूली ना करें, आसपास के गांव के लोगों को तंग ना करें। अभी तो धरने उठे हैं, अगर गुंडागर्दी की तो दोबारा लगेंगे। और मेरी सभी युवा साथियों और किसान भाइयों से यह अपील और प्रार्थना है कि जिस भी टोल के ऊपर हमारे किसी भी भाई और किसान के साथ अगर कोई बदतमीजी जबरन वसूली होती है तो वहीं डेरा डाल लें, प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण ढंग से वहां धरना चलाएं, उस टोल को फ्री करवा दें। ये गुंडा टैक्स है और किसान गुंडा टैक्स नहीं देगा। ये टोल कंपनियां कान खोल करके सुन ले, इनकी गुंडागर्दी हम खत्म करके छोड़ेंगे। गुंडागर्दी किसी कीमत पर इनकी चलने वाली नहीं है। और हमारी जो टोल कमेटियां हैं हरियाणा भर में, उनसे भी ये प्रार्थना है कि वो जरूर इस काम को देखें कि किसी भी किसान को या किसी भी आसपास के गांव के हमारे किसी भी भाई को कोई तकलीफ और परेशानी ना हो। ये टोल वालों को फिर कह रहे हैं अपना काम ठीक तरीके से कर ले, नहीं तो किसान अगर आया तो फिर टोल फ्री तो होगा ही होगा। ये गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए। इलाज किया जाएगा इन टोल कंपनियों का, टोल प्लाजाओं का। इस वीडियो को शेयर करें। बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।